नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 17 मई 2023, समय 9:14 अब 22 सेकंड बाद। तो दोस्तों कल जो मैंने दिया था, जो लेवल बताया था 43,800 तक आ सकता है, तो बिल्कुल कल ही आ गया। आज भी मार्केट लगभग कुछ करने के मूड में फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि ये मात्र 44 पॉइंट पॉजिटिव बैंक निफ्टी और निफ्टी 14 पॉइंट, तो थोड़ा वेट करना होगा। 44,000 के ऊपर टिकेगा तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। रिजेक्शन पॉइंट 44,100-44,150 के पास में है और 43,700 के आसपास आता है, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। बेसिकली ये एरिया शॉर्ट का है और ये एरिया बाय का है, इस एरिया पे भी कुछ नहीं करना है, फिलहाल वेट करके बस चलते हैं। देखिए मार्केट खुला, खुलते के साथ ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है, 43,900 जबरदस्त, फिर नीचे आ रहा है। देखिए 43,824 ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, वेट करते हैं। बेसिकली 44,000 के ऊपर थोड़ा सा टिके तो 44,200 तक जा सकता है, नीचे की तरफ में 43,600-43,700 पर मिले तो वहां पर फिर आपको लिया जा सकता है। तो फिलहाल अभी यहां पे कुछ नहीं कर सकते, वेट करेंगे, अभी देखते हैं समय मामला क्या चल रहा है। 838 के पास में ट्रेड हो रहा है, 800 के नीचे जाएगा तो गिरावट स्टार्ट हो जाएगा, वेट करते हैं। बैंक निफ्टी 43,870 के पास में ही कोशिश कर रहा है, घूमने का कोशिश कर रहा है, तो चलिए थोड़ा वेट करके देखें। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बाउंस कर सकता है। कॉल ऑप्शन 44,000 का लिया है, 457 का प्रॉफिट, 527 हो गया, 597 ऊपर की तरफ में जो है 44,000 का राउंड नंबर का रेजिस्टेंस एरिया है, अगर उसको ब्रेक कर जाए तो 44,100 तक चला जाएगा, तो 662 हो गया, 772, 917, 1262। तो मैं पहले दो लॉट बुक कर लेता हूँ। तो देखिए सुबह का बौनी हो गया, समय 9:17:05 पर ही बौनी हो गया। पिछला सपोर्ट जो कहा कि 43,800 के नीचे अब जाएगा तो कमजोर होगा, अदरवाइज वहां से ये पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, तो 43,937 तक बैंक निफ्टी आ गया है, तो वेट करते हैं, इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये नहीं करने दे रहा प्रॉफिट बुक, ठीक है नहीं करने दे रहा, तो वापस चार्ट पे आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ट पर आ गए और 1200-1300 बैंक निफ्टी देखिए 44,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार इसको निकालते हैं, हो गया। तो देखिए सुबह का कितने मिनट में, 9:17:50 पे ही प्रॉफिट बुक हो गया 1857 रुपए का। तो देखा सिंपल तरीके से जो पिछला 43,800 भी सपोर्ट का काम करेगा, 43,800 के नीचे गिरेगा तो गिरावट आएगा, या फिर 44,100-44,150 के आसपास में से फिर गिरावट स्टार्ट होगा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो फिलहाल वेट करेंगे, अपना काम इधर का हो गया, आपको कॉल्स मिलेगा लाइव मार्केट का, कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पर, तो चलिए आपको कॉल्स को मिलेगा, वेट करिए। समय दोस्तों 9:21:10 हो गया। देखिए 44,000 का पुट ले लिया है मैंने, दो लॉट मैंने आपको भी दिया है, तो 700 का यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, तो देखिए एक लॉट का प्रॉफिट तो मैं यहाँ पे पहले ही बुक कर लूंगा, आदत है मेरी प्रॉफिट बुकिंग की आदत है, तो देखिए ये बुक कर लिया मैंने। जैसे ही प्रॉफिट में आता है मैं तुरंत से पहले अपना प्रॉफिट 70% ले लेता हूँ, उसमें मैं सोचता भी नहीं हूँ, लास्ट रन बिल्कुल नहीं करता हूँ कि ये राम इतना छोटा प्रॉफिट, मैं बुक ये इस चक्कर में नहीं पड़ता, मैं मान के चलता हूँ प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट होता है, छोटा और बड़ा मायने नहीं रखता है, क्वांटिटी मायने रखता है उसके लिए। तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप प्रॉफिट बना रहे। 43,870 यानी ऊपरी लेवल से 44,000 के पास पहुंचने के बाद फिर से बैंक निफ्टी में एक रिजेक्शन का माहौल बन रहा है। देखिए 44,943 तक गया और वहां से रिजेक्शन आ गया, इसका मतलब क्या है कि 44,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक पॉजिटिव नहीं होगा, उसके नीचे रहेगा तो निगेटिव ही रहेगा। कल का लो है 43,815 के आसपास का लो है, अगर उसके नीचे गिरता है तो फिर बड़ा फ्रेश मंदी होगा, 43,700 तक आ सकता है, 43,650-700 के आसपास, 650 एक बार बाइंग देखने को बनेगा। तो 44,000 का जो मैंने क्या लिया, पुट लिया हुआ, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट है,
कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है, इसको भी मैं काट देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि प्रॉफिट में ही है, ओवरऑल तो प्रॉफिट में ही है, इसमें उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वापस ये बाउंस करा 43,937 हो गया, यानी निचले लेवल से ऊपर से जो है रिजेक्शन, नीचे से फिर ऊपर, है ना, तो ये हिसाब से चल रहा है। तो इसको मैं काट देता हूँ, इसका ज्यादा वेट नहीं कर सकते, बस इस एक आध मिनट का कैंडल और देख लेते हैं, इसके बाद फिर मूवमेंट देखते हैं क्या बनता है। तो थोड़ा वेट करके चलेंगे और आपको कॉल्स वगैरह मिल ही रहा है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, समय 9:42:18 हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी 43,876 यानी कि कल के लो के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, वहीं से ये बाउंस कर रहा है। मैंने आपको भी पुट ऑप्शन दिया है और आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, और मैंने आप लोगों को जो पुट ऑप्शन दिया है वो 44,000 का पी दिया है, 240 के ऊपर बाय करने का। तो 44,000 का अगर पुट ऑप्शन देखते हैं तो क्या कितना चल रहा है ये चेक करते हैं। 44,000 का पी, ये देखिए 240 के ऊपर बाय दिया, ऑलरेडी इसने हाई मारा है 245-46 का। तो वेट करेंगे, अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोरी दिखा तो रहा है, एक लो लगाया, देखिए वापस से 850-55 का लो लगा रहा है। अब वेट करिए और देखते हैं क्या यहाँ ये सपोर्ट एरिया 43,800 के आसपास एक सपोर्ट है, इसके नीचे अगर ये गिरता है तो फिर 650 तक 700 तक आराम से आ जाएगा, और जब तक ये 44,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तेजी नहीं आएगा। तो फिलहाल इसी का वे एक एक पहली कैंडल बना लिया, पहली कैंडल के शेडो में ये ट्रेड कर रहा है ना। पहली कैंडल देखिए, पहली 5 मिनट की कैंडल, और उसी में क्या कर रहा है ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो और थोड़ा कमजोरी भी है क्योंकि अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास काम करें, तो थोड़ा बाउंस वाला मिलेगा, और आज वैसे भी बुधवार है तो प्रीमियम मीटिंग डे वेडनेसडे को चलता है ना। तो यही सब ध्यान में रखिए और ट्रेड करने की कोशिश करिए, अगर आप बहुत फास्ट ट्रेडर हैं तो ज़रूर करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेवल है तो उसके बाद ट्रेड करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी 43,850 का अभी का लो मारा है, अगर इसके नीचे दोबारा आता है तो फिर आपको नेगेटिव होगा, 44,000 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, और वहां से भी 150 पॉइंट ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए तेजी से हम लोगों का प्रॉफिट बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और 350 तक ये मेरा 45 तक भी चला गया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है। तो देखिए आपको अपना लेवल अपना पता होना चाहिए, कहाँ पर से सेलिंग आ सकता है, कहाँ से बाइंग आ सकता है, कहाँ से गिरेगा, कहाँ से ऊपर उठेगा, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और देखिए बैंक निफ्टी का देखिए ये लेवल वापस से 852-49 का लो मारा है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ से, मेरी तो आदत आपको तो पता है, गंदी आदत है मेरी, मेरी बहुत गंदी आदत है। क्या आदत है गंदी? प्रॉफिट बुकिंग का। तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, खेल खत्म हो गया अपना, 9:44 पे हो गया, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, सीखिए समझिए, लेवल का रिस्पेक्ट करता है तो जरूर ट्रेड करिए, और नहीं तो अवॉइड कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। आपको भी मैंने 44,000 का पुट दिया हुआ है, तो उम्मीद है आप उसमें भी अच्छा प्रॉफिट में बन रहे होंगे। कहें 44,000 का पुट देखिए 250 हो गए, तो चाहे तो आप सम प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे 280 कैसे टारगेट आ जाना चाहिए, और चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।